आज भारत में कई सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं जो एकदम यूनिक हैं, जिस वजह से काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इनकी काफ़ी अच्छी फंडिंग भी मिल रही है, इसलिए आज हम इंडिया के 10 ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी यूनिक हैं और जिनकी वैल्यूएशन 2021 में 1 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गई है, जो यूनिकॉर्न ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको और अच्छे से जानना है कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। COVID-19 की वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी बिजनेसेस को लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिन्हें इस वजह से काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा है, जिनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। जिनमें से एक स्टार्टअप है डिजिटल इंश्योरेंस, जो कि एक इंश्योरेंस बेस्ड स्टार्टअप है, जो कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसकी वैल्यूएशन 1.9 बिलियन तक हो चुकी है। इसे अगर INR में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यूएशन 14,050 करोड़ से आसपास होगी। जनवरी 2021 में इन्होंने 135 करोड़ की फंडिंग रेस की है। हमारा अगला स्टार्टअप है इनोवा केयर। यह एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है। इनोवा केयर ने अपने सॉफ्टवेयर को 25,000 से अधिक फार्मासिस्ट लैब में हॉस्पिटल में लगा दिया है, जिससे इनके पास पेशेंट का डाटा रहता है, जिसकी मदद से उस डाटा को एनालाइज करके हेल्थ सेक्टर में और इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। इनका प्लान है कि इन्हें कुछ सालों में इन्हें अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की संख्या को 5 लाख तक पहुँचाना है और क्लाइंट की डाटा को 1 करोड़ तक पहुँचाना है। वैसे ही डाटा इज न्यू फ्यूल, इनकी इसी बड़े विजन की वजह से फाउंडर्स इन्हें अच्छी फंडिंग दे रहे हैं। 2014 में स्टार्टअप शुरू हुआ था। इन्होंने अभी तक 225 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है। इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन 1.3 बिलियन डॉलर तक हो चुकी है। अगर बात करें इसकी सर्विसेज की, तो ये लोगों को मोबाइल पर भी डॉक्टर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी ये केयर मैनेजमेंट, पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट, रिफरल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी रिपोर्टिंग की सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टार्टअप की तरफ, जो कि एक ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप किसी प्रोडक्ट को मार्जिन ऐड करके उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से सेल कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट हो। हम बात कर रहे हैं मीशो की, जो एक ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी अर्निंग की बात करें तो ये दो तरह से अर्न करते हैं। पहला, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर कमीशन लेकर, और दूसरा, ये उस प्रोडक्ट की डिलीवरी से अर्निंग करते हैं। 2015 में ये स्टार्टअप शुरू हुआ था। इसकी वैल्यूएशन 2.1 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। ये अभी तक 490 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठा चुके हैं। हमारा अगला स्टार्टअप जिसने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, वो है Infra.Market। ये स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन कर रही कंपनीज की हेल्प करता है, उन्हें गाइड करता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से बना सकें, और उन्हें क्लाइंट्स भी प्रोवाइड करता है। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2017 में हुई थी। अभी तक 150 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज कर चुके हैं। इसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से अधिक हो चुकी है। ये स्टार्टअप भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, दुबई और सिंगापुर में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस की सर्विसेज की जरूरत होती है, जिनका उनके पास मोबाइल नंबर या एड्रेस नहीं होता, जिस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आ गई अरबन कंपनी। ये स्टार्टअप लोगों को घर पर ही इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सैलून, ब्यूटी पार्लर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2014 में हुई थी। ये इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, UAE में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, तो ये कंपनी कमीशन बेस्ड है। इसके पास जो इसके रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उस सर्विस के बदले जो पैसे मिलते हैं अरुण कंपनी, उनमें से कमीशन काट कर उन्हें देता है। इसकी वैल्यूएशन 2 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है, जिसमें से इसकी टोटल फंडिंग 380 मिलियन डॉलर है। COVID-19 के दौरान लोग अपने घर से ज़्यादा बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ज़रूरी सामान जैसे मेडिसिन, ग्रोसरी जैसे ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने का जिम्मा उठा लिया है फार्माइजी ने। यह फार्मा बेस्ड ई कॉमर्स स्टार्टअप है, जो आपको घर पर ही मेडिसिन की होम डिलीवरी और सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसके पास 1 लाख से भी ज़्यादा मेडिसिन और सर्जिकल आइटम अवेलेबल हैं, जिस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर हो चुकी है। इसने अभी हाल ही में 350 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है। हमारा अगला स्टार्टअप है क्रेड। आज बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, जिससे वह चीज़ों को खरीदते हैं और अपने बिल को भी पे करते हैं। जो लोग अपने बिल को समय पर पे नहीं करते, उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने बिल को समय पर पे करते हैं, उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए क्रेडिट को बनाया गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो व्यक्ति अपना बिल समय पर पे करता है, उसे कुछ कैशबैक या रिवॉर्ड मिलता है, और जो नहीं करता वो भी समय पर करने लगते हैं, ताकि उन्हें भी रिवॉर्ड और कैशबैक मिले। इसी के साथ ये उन लोगों को अच्छे दाम में इंश्योरेंस और भी ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में हुई थी। क्रेडिट की वैल्यूएशन 2.2 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। ये स्टार्टअप अभी तक 440 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज कर चुका है।
हमारा अगला स्टार्टअप है ग्रो, एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ग्रो ग्रो मतलब आगे बढ़ना, लोगों का इन्वेस्टमेंट करके ग्रो होना। इन्होंने अभी तक टोटल 142 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है। इससे स्टार्टअप की वैल्यूएशन 1 बिलियन से भी अधिक हो चुकी है। आज दुनिया भर में कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि काफी सक्सेसफुल है और काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिकी या किसी अन्य देश के हैं। इसी को देखते हुए एक भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरुआत की गई जिसका नाम था शेयर शेड, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई है। ये एक इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल, गूगल प्ले स्टोर पर इसके 10 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। शेयर शेड भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह एडवर्टाइजमेंट से ही अर्निंग करता है। इन्होंने अभी तक 764 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है। इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन 2.1 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है। गपशप एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। गपशप की वैल्यूएशन 1.4 बिलियन डॉलर हो चुकी है। गपशप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। हर महीने 6 अरब से भी ज्यादा मैसेज भेजता है। गपशप के क्लाइंट बैंकिंग व फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैवल व हॉस्पिटैलिटी, ई कॉमर्स और अन्य सेगमेंट के हैं। गपशप पहली कंपनी है जिसने व्हाट्सएप बिजनेस ने ग्लोबली इंटरप्राइज मैसेजिंग पार्टनर बनाया है। गपशप ने अभी तक 150 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है। इस स्टार्टअप की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद आए तो कमेंट करें कि मैं इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ।